गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है कितना है आज है 11 मई और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और जो गाजर ये विकास निकाले हुए थे वो कद्दूकस कर रहे हैं और पीछे जो कैमरामैन है वो इसको हलवा बनाएंगे। जो हमारे जाने माने मास्टर शेफ हैं, हलवा स्पेशलिस्ट हैं, तो आज वही बनाएंगे। और अभी तो नाश्ता हो रहा है तो अभी हलवा टेस्ट करके बताएंगे, रिव्यू देंगे विकास। तो मिलते हैं गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग गाजर का दुकस कर रहे हैं और इसका बनाने वाले हैं हम लोग हलवा। तो गाइस, हलवा बनाने के बाद फिर बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखिए, हमारे प्रसाद भाई के मुंह में पानी आ रहा है हलवा का नाम सुनते ही। मास्टर से यही मार। और ये देखिए भाई साहब को, सुबह का टाइम है तो चना खाया जा रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है गाइस। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं गाइस। ये बहुत ही मेहनत कर रहा है गाइस, जैसे इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ये बच्चा बहुत ही आगे जाएगा, बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो गाइस, ये जो है रेडी है और अब इसको सिर्फ फ्राई करना है और दूध ऐड करना है। और ये बहुत ही मेहनत किया लड़का, अब जाके इसको नाश्ता मिला है। ख़त्म करके ही ये ख़त्म किया है तभी ये मिला है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, आगे तक जाएगा। फाइनली गाइस, हलवा तैयार है, आधा खा चुके हैं तो अभी थोड़ा सा ही बचा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्वाद भी काफ़ी अच्छा है जैसा कि विकास ने बताया। गाइस, यहाँ पे विकास ये आग लगा दिए हैं। अगर कहीं हवा चला तो क्या करोगे विकास? आग बुझाने के लिए पानी की सप्लाई फिट है। कहाँ है? नीचे आप पाइप देख सकते हैं। पानी है इसमें? नहीं, मोटर ऑन है। हाँ, जब भी कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसको हम लोग आग बुझा सकते हैं। गाइस, ये है पूरी गिलोय जो बहुत ही मोटी मोटी और हरी हुई है। इतना ज़्यादा है, बगीचे में था, किसको जलाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ भी आग लगा दिया हूँ, इधर उधर भी आग लगेगा तो इधर भी जलेगा। अब इसको चारों तरफ से आग लगाया जा रहा है, चारों तरफ से आग लगाया जा रहा है। जैसे होलिका दहन में चारों तरफ से आग लगाया जाता है, सेम उसी के जैसा ही आग लगाया जा रहा है। ये देखिए, बहुत मिठाई का डिब्बा था, बहुत अच्छी मिठाई। आग तो लगा ही नहीं, आग लग चुका है, आप देख नहीं पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको सब दिख जाएगा। आपका माचिस गलत है। माचिस नहीं, मेरा एम सही है, मेरा लक्ष्य ही यही है कि मैं इसको जला सकूं। भगवान ने मुझे इसी के लिए बनाया ही। आप वो वाले माचिस लाना चाहिए था जो आग लगा दे। ये देखिए, अब आग पकड़ चुका है, आग भयानक स्थिति में। दुल्हन माचिस लाइए। नहीं, ये माचिस एम है। नहीं, दुल्हन माचिस लाते वो सब में आग लगा देती है। Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. Away and I feel like I am someone else. Away and I feel like I don't know myself, no. Away and I feel like I don't know my name. Guys, आप देख सकते हैं ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, बहुत आगे तक जाएगा। Guys, एक लाइक तो बनता है इसके लिए, बहुत ही मेहनत कर रहा है बच्चा, एक लाइक तो बनता है। गाइस, आप देख सकते हैं ये छिपकली जो है झूला झूल रही है पंखे के साथ, इसका भी मन हो रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ये पकड़ के बैठी है, कितना अच्छा झूला है ये। अब ये जैसे ही रुकेगा अब ये यहाँ से भाग जाएगी। अभी को पंखा चल रहा था तो ऐसे ऐसे नाच रही थी उसी के साथ ही। इसको भगाते हैं,
अब तो हाय गाइस, बज रहे हैं शाम के 5 और देखिए इतना अच्छा सनसेट और हम लोग आए हैं खेत में घूमने। तो गाइस देखिए हैं हमारे प्रशांत भाई और देखिए बेल लेके खड़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे वो जो एक पेड़ है वहाँ पे बेल का, वहाँ पे हम लोग घोड़े हैं इसको, मतलब तुड़वाए हैं, छोटे छोटे बच्चे थे वो चढ़े हुए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इधर हरे भरे खेत और ये इधर बैक में नहर है। फिर गाइस जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं ये देखिए दो ट्रैक्टर यहाँ पे और आगे बढ़िए। तो गाइस ये फंस चुका है ट्रैक्टर, इसको निकाला जा रहा है। ये ट्रैक्टर इस ये वाला ट्रैक्टर निकाल रहा है इसे। अब इसको इसको आगे धक्का देगा। ये निकल चुका है गाइस।